भैया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसंवाद कार्यक्रम के बीच एक स्थानीय लड़के के हाजिर जवाबी का शिकार हो गई। स्मृति ईरानी ने एक लेखपाल को फटकार लगाते हुए कहा, अगर आप फौरन कार्रवाई नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ केस भी लिखवा दूंगी और यहीं धरने पर बैठ जाऊंगी। ये बात सुनते ही पीछे खड़े लड़के ने कहा, तो मैडम बैठ ही जाइए, आप यहां आकर बैठिए। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया ए भैया, अरे यार बैठने वाले नेता हैं तुम्हारी तरह बैठने वाले। मैडम बैठ जाइए सुनकर स्मृति ईरानी भौचक्की रह गई। गुस्से में कुछ सोचते हुए स्मृति ईरानी परिस्थिति संभालने की कोशिश करने लगी। चश्मा संभालते हुए बस उस लड़के को निहारने लगी। ईरानी कहती हैं, चलने दौड़ने वाले नेता हैं हम, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं है। हालांकि अभी कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने धरने पर बैठने की बात कहकर अब बैठने से क्यों मना कर दिया, ये सोचकर लोग हैरान हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमेठी के संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान सांसद स्मृति ईरानी के पास एक व्यक्ति लेखपाल की शिकायत लेकर आया था कि लेखपाल उसकी जमीन किसी और को कब्जा करवा रहा है। इस दौरान लेखपाल को मौके पर बुलाकर स्मृति ईरानी ने फटकार लगाई और कहा कि अगर तुम इसकी जमीन तुरंत खाली नहीं करवाते हो तो मैं यहां धरने पर बैठ जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ केस भी करवा दूंगी। सुनकर लेखपाल डरा सहमा बस सुनता रहा, हां में हां मिलाता रहा। लेकिन बगल खड़े लड़के ने कहा, मैडम धरने पर बैठ ही जाइए, यहाँ आकर बैठिए तुरंत। खैर अच्छी बात यह रही कि लेखपाल ने न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन पीछे खड़े लड़के के हाजिर जवाब ने स्मृति ईरानी को परेशान कर दिया। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके जवाब में स्मृति ईरानी कहती हैं, हम चलने दौड़ने वाले नेता हैं, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं हैं। इस वीडियो पर फिरकी लेते हुए सपा नेता हाईपी सिंह ने कहा, सीरियल के डायलॉग कैमरे के सामने बोल रही है स्मृति ईरानी, लेकिन जवाब में एक युवक ने पीछे से झटका दे दिया, सब रील ही रील है भाजपा में। वहीं कांग्रेस की नेता रुचिरा चतुर्वेदी कहती है, स्मृति ईरानी जी का तो मोए मोए हो गया। पत्रकार रणविजय ने कहा, स्मृति ईरानी का लाइव फैक्ट चेक हो गया है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।